जेबी के एस सुप्रीमो जयराम महतो मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे। गिरिडीह पहुंचने पर उनकी पार्टी के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने इस दौरे के दरमियान जयराम महतो सीधे पचम्बा थाना गए और वहां पुलिस अधिकारियों से मिलकर अपनी पार्टी के केंद्रीय महामंत्री रॉकी शेख को जान से मारने की मिली धमकी के बाबत अब तक की कार्रवाई की अद्यतन जानकारी है। उन्होंने अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात भी कही। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जयराम महतो ने कहा कि संगठन के किसी व्यक्ति के साथ यदि कुछ होता है तो उसके साथ खड़ा रहना उनका फर्ज है। रॉकी शेख के मामले में पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर असंतोष जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को जांच में तेजी लाना चाहिए। सामने खड़े थोड़ा निकाल लीजिए, हटिए सर, हटिए। सर वो मेरा साथ जो मेरा मोहल्ला में जमीन के बाद चले बस आप ही आए हैं, इसलिए हम थोड़ा सा क्लिप बना रहे थे कि आप क्या फैसला कर रहे हैं इसको लेकर अमित है, तो आप हमको उठा के थाना ले आए थे, गाड़ी जब खत्म होती है गाली गलौज कीजिए जी। अबरार शेख उर्फ रॉकी, उनको एक इंटरनेशनल कॉल के माध्यम से धमकी मिली थी जी, और जब संगठन के किसी साथी के साथ इस प्रकार की घटना घटित होती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके साथ खड़ा होने, तो उसी क्रम में हम लोग पचम्बा थाना आए हुए थे और उस विषय को संज्ञान में दिए हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि ये ऐसे लोग जिनका मनोबल बढ़ रहा है, जो लोग आपराधिक तत्व और इस प्रकार की धमकियां, तो उन पर अंकुश लगे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं अगर उन पर अंकुश नहीं लगेगा तो एक आम व्यक्ति इस वातावरण में चलने में योग्य नहीं रह पाएगा। थाना प्रभारी से बातचीत टेलीफोन के माध्यम से हुई और उन्होंने ये कहा कि हम लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं लेकिन साइबर की टीम लगातार उस पर प्रयास कर रही है क्योंकि इंटरनेशनल कॉल है और बार बार उनका कॉल जो आ रहा है अलग अलग नंबर से आ रहा है, उसको ट्रेस करने में और डेटा फाउंड नहीं हो पा रहा है। कई दिन बीत जाने के बावजूद भी समय पर समय लिया जा रहा है, आखिर ऐसा नहीं लगता कि आपके मामले को लेकर टालमटोल किया जा रहा है? देखिए कहीं ना कहीं तो सत्य है कि प्रशासनिक लोग गंभीरतापूर्वक समस्याओं को नहीं लेते हैं, जब घटना घटित हो जाती है तो फिर पछतावा दिखाते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, तो संवेदनाओं व्यक्त करने से अच्छा है कि समय रहते गंभीरतापूर्वक विषय को लिया जाए संज्ञान में और उस पर एक टीम का गठन हो। ऐसे लोग अगर एक तो जामताड़ा में इन चीज़ों को समझ में आता था, अब गिरिडीह में भी इन चीज़ें देखने को मिल रही है, तो ये दुर्भाग्य विषय है। प्रशासन से हम लोग थाना प्रभारी या पचम्बा थाना के द्वारा रिस्पॉन्स है लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है, रिस्पॉन्स है, काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डिले कर रहे हैं और देखिए डिले बहुत कुछ नुकसानदायक हो सकता है डिले होने के कारण। सर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आगे की रणनीति क्या होगी पार्टी? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो निसंदेह हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अभी आपको आश्वासन क्या मिला बातचीत? अभी उन्होंने कहा कि साइबर की टीम की हेल्प से हम लोग उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार लगे हैं, जुटे हैं, लेकिन थोड़ा सा वे पहुँच से बाहर। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक अटैक?
जीत चुकी है हरदार सिंह का गिरिडीह में हमारे संगठन को कहीं ना कहीं मजबूती दे रहे थे और भाई का माहौल है विपक्ष में, बाकी जो दल है उनमें भाई का माहौल है, जिस कारण ये राजनीतिक अटैक ही है। अगर अटैक इससे पहले होने का होता तो हो चुका होता, लेकिन आज अगर चुनाव के बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का ही हिस्सा है।